सभी को नमस्कार। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है करिकुलम डिजाइन। बनाना वीडियो में करिकुलम डेवलपमेंट पर चाहती थी, पर करिकुलम डेवलपमेंट जानने से पहले हमको थोड़ा करिकुलम डिजाइन जानना होगा। और ये टॉपिक जो है वो बीएड और बीए दोनों में ही आएगा, तो दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही छात्रों विद्यार्थियों के लिए ये यूजफुल रहेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं करिकुलम डिजाइन में। सबसे पहले कि करिकुलम क्या है, यहाँ पे हम ये स्पेस पे नहीं जाएंगे कि करिकुलम किस शब्द से बना है और ये सब किताबों में लिखा हुआ है, आप जानते हैं। करिकुलम क्या है? करिकुलम रिफर्स टू एन इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे खास बात कि करिकुलम से हम क्या समझ सकते हैं, किसको समझ सकते हैं? करिकुलम क्या है? ये इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब अनुदेशन देने का एक इंटरैक्टिव सिस्टम है। मतलब ये होना चाहिए कि ये ना हो कि मोनोलॉग हो जाए और सिर्फ टीचर बोल रहा है, बल्कि इंटरैक्टिव हो, मतलब स्टूडेंट टीचर दोनों ही इसमें पार्टिसिपेटरी होने चाहिए। एंड लर्निंग विद स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि अधिगम तो हो रहा हो लेकिन गोल्स भी हो, लक्ष्य हो कुछ हमारा, और वो भी लक्ष्य कैसा हो, विशिष्ट हो, कंटेंट हो हमारे पास, विषय वस्तु होनी चाहिए करिकुलम बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज, कोई ना कोई हम कार्य आव्यूह रचना बनाएंगे, मेजरमेंट या असेसमेंट होना चाहिए, शब्द असेसमेंट होगा करिकुलम का, मेजरमेंट नहीं होगा। असेसमेंट मतलब लास्ट में आप इवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और रिसोर्सेज यानी कि किन रिसोर्सेज पर बेस्ड होगा करिकुलम, है ना। तो करिकुलम क्या हुआ? एक इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेशन का एक अंतः क्रियात्मक प्रणाली, और जिसमें कि लर्निंग होगी, और क्या क्या होगा, स्पेसिफिक गोल्स होंगे, कंटेंट होगा, स्ट्रेटजी होगी, मेजरमेंट होगा, रिसोर्सेज होंगे। ओके, द डिजायर्ड आउटकम ऑफ करिकुलम इज, यानी कि हम क्या चाहते हैं पाना करिकुलम से, हमारी उपलब्धि क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड या और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। मतलब मोस्टली एट लास्ट हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रांसफर करें किसका, नॉलेज का यानी ज्ञान का, स्किल्स मतलब कौशल का, और एटीट्यूड्स मतलब अभिवृत्ति का। तो जब जो लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की हम बात करते हैं, है ना। यानी आयाम में संज्ञानात्मक आयाम होना चाहिए, इफेक्टिव जिसमें एटीट्यूड आएगा यानी भावात्मक आयाम होना चाहिए, और साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक जिसमें स्किल्स आ जाएंगी। यानी कि जब कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स मिलते हैं तब जाके पूरा हमारा निकल कर आता है कि हमको कंटेंट में क्या क्या चाहिए। यानी कंटेंट में ज्ञान भी होना चाहिए, कंटेंट में अभिवृत्ति या भाव भी होना चाहिए, और कौशलों का भी विकास होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम करिकुलम के थ्रू चाहते हैं, डिजायर्ड आउटकम हमारा यही है, सक्सेसफुल ट्रांसफर या तो ट्रांसफर करें या डेवलपमेंट, विकास करें, किसका किसका, ज्ञान का, कौशल का और अभिवृत्तियों का। ठीक, तो इतनी बात तो हुई करिकुलम के में। अब करिकुलम डिजाइन क्या चीज है? आसान है ये, बस समझना है थोड़ा सा। करिकुलम डिजाइन क्या है? करिकुलम डिजाइन इज अ टर्म, ये एक टर्म है, किसको दिया गया है, यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि जो वर्णन कर सके किसका, पर्पसफुल यानी कि सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है करिकुलम डिजाइन। यानी हमने ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य से करिकुलम नहीं बनाया है, डेलिबरेट है यानी कि हमने जानबूझकर ऐसा किया है, एंड सिस्टमैटिक यानी कि सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। यानी करिकुलम डिजाइन क्या है, हमने करिकुलम को पर्पसफुली, डेलिबरेटली और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है, किसमें, विद इन अ क्लास और कोर्स। ओके, तब जाके करिकुलम डिजाइन बनता है। और करिकुलम में क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने के ब्लॉक्स हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज अ वे, यह एक तरीका है किसके लिए, फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए, टू प्लान इंस्ट्रक्शन। मतलब करिकुलम डिजाइन में हम ये तय कर लेंगे कि हमको इंस्ट्रक्शन देना कैसे है, उसके लिए हमको जो योजना बनानी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करिकुलम डिजाइन वही है। और व्हेन टीचर्स डिजाइन करिकुलम, जब टीचर्स करिकुलम को डिजाइन करते हैं, टीचर्स करते हैं या पॉलिसी मेकर्स करते हैं, वैसे पॉलिसी मेकर्स भी टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स भी पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, इसलिए इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दे आइडेंटिफाई, वो पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं क्या क्या, व्हाट विल बी डन, मतलब क्या किया जाएगा, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, एंड व्हाट शेड्यूल टू फॉलो, और हम किस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ठीक, तो करिकुलम डिजाइन में खास बात ध्यान रखने की क्या है, ये पर्पसफुल, डेलिबरेट और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम है। ओके, अब पर्पस ऑफ करिकुलम डिजाइन, हम क्यों बना रहे हैं करिकुलम डिजाइन, क्या क्या उद्देश्य है इसका, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी।
टीचर्स डिजाइन ईच करिकुलम विद अ स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस इन माइंड, यानी कि प्रत्येक करिकुलम को जब डिजाइन किया जाता है तो उसके पीछे एक शैक्षिक उद्देश्य होता है। क्या शैक्षिक उद्देश्य? द अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, यानी अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है कि विद्यार्थी का जो अधिगम है उसमें सुधार हो जाए, अधिगम के स्तर में। बट देयर आर अदर रीजंस टू एम्प्लॉय करिकुलम डिजाइन एज वेल, मतलब सिर्फ स्टूडेंट लर्निंग को ही हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते, बल्कि और भी हमारे दिमाग में कई बातें रहती हैं। क्या क्या बातें रहती हैं? कि लर्निंग गोल्स आर अलाइंड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, यानी ऐसा ना हो कि हम प्राइमरी से मिडिल में जा रहे हैं तो हमारा लर्निंग गोल मिसमैच हो रहा है और मिडिल से हायर में जा रहे हैं तो कोई मैचिंग नहीं है, बल्कि प्राइमरी लेवल के लर्निंग गोल्स, मिडिल लेवल के लर्निंग गोल्स, हायर लेवल के और आपके पीएचडी लेवल के जितने भी हैं सब में एक अलाइनमेंट होना चाहिए करिकुलम डिजाइन में। ओके, फिर टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। देखिए ये बात खास जानने की, कितने प्रकार का करिकुलम डिजाइन हो सकता है। तीन बेसिक टाइप्स आपको मिलेंगे, आप बुक्स में इधर उधर जब सर्च करेंगे तो, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड। कहीं कहीं प्रॉब्लम सेंटर्ड को सोसाइटी सेंटर्ड भी लिखा है, और आजकल एक नया टाइप भी मिलता है कहीं कहीं, बहुत ज्यादा तो अभी नहीं मिल रहा है लेकिन कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी सकता है, लर्निंग सेंटर्ड। लेकिन अभी वो लेस पॉपुलर है इसलिए मैंने उसको इसमें भी इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप उसको भी जान लीजिएगा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है आपको इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जानने वाली है। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब कि यहाँ पे विषय वस्तु जो है, जो डिसिप्लिन है हमारा, वो केंद्र बिंदु है सब्जेक्ट सेंटर्ड में। ओके, फिर लर्नर सेंटर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्फेसिस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रभाव है और इसलिए अधिगमकर्ता केंद्रित। और या तो प्रॉब्लम सेंटर्ड, या तो समस्या केंद्रित, या कहीं कहीं जहाँ पे इसको सोसाइटी सेंटर्ड दिया गया है कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और अगर हम लर्निंग सेंटर्ड की चौथा टाइप बात करें तो ना सब्जेक्ट सेंटर्ड, ना लर्नर सेंटर्ड, ना प्रॉब्लम सेंटर्ड, वो हो जाएगा लर्निंग सेंटर्ड। मतलब हम सिर्फ ध्यान रखेंगे कि लर्निंग होनी चाहिए। तो अब उसको छोड़ना है, फिलहाल हम इन तीन पर डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड का क्या मतलब है, लर्नर सेंटर्ड का क्या मतलब है, प्रॉब्लम सेंटर्ड का। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड में जैसा कि नाम से स्पष्ट है क्या कह रहे हैं कि ये किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, मतलब किसके इर्द गिर्द घूमेगा, सब्जेक्ट मैटर या डिसिप्लिन के। खास समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में फोकस ऑन मैथ और बायोलॉजी। दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन टेंड्स टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट रादर देन द इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे हम स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए ये करिकुलम बनाया जा रहा है ना। यही कह रहे हैं कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट नीड्स टू बी स्टडीड एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड। यहाँ पर सिर्फ ये वर्णन किया जाता है या ये देखा जाता है कि क्या पढ़ने की आवश्यकता है और कैसे उसको पढ़ा जाना चाहिए। फिर कोर करिकुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ए सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन दैट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस स्कूल स्टेट्स एंड द कंट्री एज अ होल। जैसे नेशनल कोर करिकुलम अगर किसी चीज का बनाया जाए तो वो सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा ना, उसमें हम ये नहीं ध्यान देंगे कि किस स्कूल के लिए, किस स्टेट के लिए बना रहे, बल्कि होल कंट्री के लिए बनाया जाएगा और वहां पे स्टूडेंट नहीं देखा जाएगा बल्कि डिसिप्लिन को हम ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से इन स्टैंडर्डाइज्ड कोर करिकुला, अगर हम किसी मानकीकृत कोर करिकुलम की बात करें तो टीचर्स आर प्रोवाइडेड अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ थिंग्स। तो वहां पे शिक्षकों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्री डिटरमाइंड यानी कि पूर्व नियोजित हमको सूची प्रदान की जाएगी दैट दे नीड टू टीच देयर स्टूडेंट्स, जो कि हमको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी होगी, अलॉन्ग विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दीज थिंग्स शुड बी टॉट। और उसके अलावा हमको उसके साथ में ये भी मिलेगा, कुछ विशिष्ट उदाहरण भी प्रदान किए जाएंगे कि इन चीजों को कैसे पढ़ाया जाना है। ठीक, तो यहाँ पे इम्फेसिस या केंद्र बिंदु क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन इसकी खास कमी भी है, द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इज दैट इट इज नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड। तो इसमें सबसे बड़ी कमी यही होगी कि ये विद्यार्थी केंद्रित नहीं है। इन पर्टिकुलर दिस फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या आप आगे पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक टॉपिक है जो पढ़ाए जाने का टॉपिक बन जाता है, लर्निंग स्टाइल्स। ये कहा जाता है कि अधिगम की भी शैलियां हैं। स्टाइल मतलब क्या, शैली। और हर बालक एक विशिष्ट अधिगम शैली रखता है, और होना क्या चाहिए, आदर्श दशा क्या होना चाहिए कि हम उस बालक को उसी की अधिगम शैली में पढ़ाएं जिससे वो बेस्ट सीख सकता है, जिससे वो एकदम जो उसके अंदर है वो खास निकल कर आ सकता है। तो इसके लिए लर्निंग स्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं और स्टूडेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हम लर्निंग स्टाइल पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक
साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक है इसका. दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद स्टूडेंट एंगेजमेंट, है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट है वो तभी होगा जब वो उसकी हम लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चलेंगे. जब उसकी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो इंगेज नहीं रहेगा क्लास में, और डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मोटिवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रॉपआउट्स हो सकते हैं चिल्ड्रन. तो इस तरह की बहुत सारी खामियां इस प्रकार के करिकुलम डिजाइन में आ सकती हैं. इसीलिए फिर बात की गई किसकी, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन. इन कंट्रास्ट, मतलब किसके विपरीत, सब्जेक्ट सेंटर्ड के विपरीत, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन टेक्स ईच इंडिविजुअल्स नीड्स इंटरेस्ट्स एंड गोल्स इनटू कंसिडरेशन. यानी कि यहाँ पे हम कह ही रहे हैं कि किस कौन यहाँ सेंटर में है, लर्नर. लर्नर मतलब अधिगमकर्ता. तो जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हम हर व्यक्ति के, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल की नीड्स, आवश्यकताओं, रुचियों, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे. इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इट एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म एंड एडजस्ट टू दोज स्टूडेंट नीड्स. दूसरे शब्दों में ये भी मान के चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, या अगले और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस को प्राथमिकता देता है. इंडिविजुअल डिफरेंस एक अलग टॉपिक हो जाता है पढ़ाने के लिए, कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम कोई यूनिफॉर्म तरीका सबको पढ़ाने के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं. लेकिन इन इंडिया बिकॉज टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, एक टीचर को बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ डील करना है, इसलिए हमको एक यूनिफॉर्म तरीका लेकर चलना पड़ता है. इसीलिए रिजल्ट इतना खराब है, क्योंकि जो मीडियोकर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, सिर्फ वो एक यूनिफॉर्म तरीके से सीखते हैं, बाकी जो अबव एवरेज हैं और जो बिलो एवरेज हैं दोनों ही बेकार परफॉर्म करते हैं इस तरीके के मेथड में, है ना. तो लर्नर सेंटर्ड अगर होगा तो यूनिफॉर्म हम नहीं मानेंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनके हिसाब से, उनके नीड, इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से उनको ये करिकुलम बनाएंगे और उसको ट्रांजैक्ट करेंगे. फिर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इज मेंट टू एम्पावर लर्नर्स. यानी ये किसको ध्यान में रख के बनाया गया, इसको ध्यान में रख के कि हमको लर्नर्स को एम्पावर करना है एंड अलाउ देम टू शेप देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस. यानी और उनको चॉइस प्रदान करनी है जिससे वो बेहतर तरीके से शिक्षित हो सकें. फिर इंस्ट्रक्शनल प्लान्स इन अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम आर डिफरेंशिएटेड, यानी कि विभेदीकृत होगा, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा. गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू चूज असाइनमेंट्स, यानी कैसे अलग कर सकते हैं, यानी हम सबको एक असाइनमेंट ना दें, उनके पास ऑप्शन हो कि इतने प्रकार के असाइनमेंट में वो कौन सा असाइनमेंट करना चाहते हैं, तो वो अपने असाइनमेंट को अपनी कैपेबिलिटी, नीड, इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से चूज करेंगे और हम वो डिफरेंशिएटेड अपने आप हो जाएगा. और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम उनको डिफरेंशिएटेड प्रदान करें और एक्टिविटीज भी, है ना. तो इसका मतलब हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इंगेज होगा क्लास में और ये बहुत बेहतर स्थिति होगी. फिर दिस कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है ना कि जब हमारे हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी तो हम मोटिवेटेड रहेंगे एंड हेल्प देम स्टे इंगेज, और हम इंगेज भी रहेंगे इन द मटेरियल दैट दे आर लर्निंग. यानी कि अपने आप इन डिसिप्लिन की प्रॉब्लम क्लास से खत्म हो जाएगी अगर हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो को बनाते हैं और उसको एग्जैक्टली फॉलो भी करते हैं. करिकुलम बनने को तो लर्नर सेंटर्ड बन जाता है पर ट्रांजैक्शन उसका उस तरीके से नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम आती है. द ड्रॉबैक टू दिस फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन इज दैट इट इज लेबर इंटेंसिव. इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रम की मांग करता है, श्रम की मांग करता है ना. कैसे बनाएंगे आप ऐसे कि हर बच्चे के लिए अलग अलग, डेवलपिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पुट्स प्रेशर ऑन द टीचर, है ना, प्रेशर टीचर के ऊपर आ जाता है यहाँ पे. क्यों, क्योंकि हमको क्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड और फाइन मटेरियल्स दैट आर कंड्यूसिव टू ईच स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स. यानी कि प्रत्येक बालक की अधिगम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमको इसको बनाना है. तो प्रेशर यहाँ पर टीचर पे, टीचर्स मे नॉट हैव द टाइम, है ना, इतना समय नहीं है, या और मे लैक द एक्सपीरियंस हो सकता, और उतना अनुभव की भी कमी हो सकती है, और स्किल्स टू क्रिएट सच अ प्लान, और कौशलों में भी कमी हो सकती है कि हम इतना डिफरेंशिएटेड बना सकें. फिर ये तो इसकी कमी हो गई क्योंकि ये बनाने में मुश्किल और समय ज्यादा लगता है. और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन ऑल्सो रिक्वायर्स द टीचर बैलेंस, टीचर्स बैलेंस स्टूडेंट वॉन्ट्स एंड इंटरेस्ट विद स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायर्ड आउटकम, विच इज नॉट एन ईजी बैलेंस टू ऑब्टेन. और एक बहुत खास बैलेंस हमको यहाँ बनाना पड़ता है कि हमको बैलेंस करना है किसमें, वो जो स्टूडेंट चाहता है और उसका इंटरेस्ट है के साथ साथ वो जो हम चाहते हैं कि रिक्वायर्ड आउटकम हमको मिले, है ना. अगर हम सब कुछ बिल्कुल प्योरली लर्नर सेंटर्ड हो जाएंगे तो हो सकता है हम अपने आउटकम से भटक जाएं, बल्कि हमको ये भी बैलेंसिंग करके चलनी है. तो इट इज सच ए लेबर इंटेंसिव एंड डिफिकल्ट प्रोसेस टू अटेंड. ओके, फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन.
सब्जेक्ट सेंटर्ड नाम से समझ में आ रहा था कि यहाँ डिसिप्लिन या सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु बनाया गया है, लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट को केंद्र बिंदु बनाया गया है। प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या है कि लाइक लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड डिजाइन। ये भी एक प्रकार का अधिगमकर्ता केंद्रित ही डिजाइन है, लेकिन इसमें फोकस हमने बदल दिया। फोकस क्या कर दिया, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुला फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लुक एट अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि है स्टूडेंट सेंटर्ड ही, लेकिन हमने फोकस प्रॉब्लम पे कर दिया ताकि जो छात्र है उसके सामने हम एक प्रॉब्लम पोज करें और वो उस प्रॉब्लम को देखे अपने नजरिए से और किसी सॉल्यूशन के साथ आए। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आर दस एक्सपोज टू रियल लाइफ इश्यूज। इसीलिए कहीं कहीं इसको सोसाइटी सेंटर्ड भी कहा गया है। इस सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोलॉजिकल लाइफ स्पेस में जो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम आ रही है उनके प्रति छात्रों को जागरूक किया जाए और वो उनको उनके लिए सोल्यूशन ढूंढ सके, विच हेल्प्स देम डेवलप स्किल्स। इससे क्या होगा कि उन कौशलों का हम उनमें विकास कर पाएंगे दैट आर ट्रांसफरेबल टू द रियल वर्ल्ड, जिससे हम रियल वर्ल्ड की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम उनको क्लासरूम में दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इंक्रीजेस द रेलेवेंस ऑफ द करिकुलम। इससे क्या होता है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है ना, क्योंकि अक्सर कहा जाता है, हमेशा हमारी शिकायत क्या होती है कि जो थ्योरी है यानी कि जो हमको क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिस है यानी कि जो हमको रियल लाइफ में एप्लीकेशन में लाना है वो मिसमैच रहती है, कभी हमारी थ्योरी प्रैक्टिस से मैच नहीं खाती है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम को बना लें और एग्जैक्टली उसको फॉलो कर पाएं क्लासरूम में, तो ये हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम जो क्लास में पढ़ेंगे वही हमको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूटिलाइज करने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अलाउ स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव। इससे एक और खास बात होगी कि हम बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि हम उनके सामने एक प्रॉब्लम रखेंगे और सबसे कहेंगे कि आप अपने अपने सोल्यूशन बताइए, ओरिजिनल सोल्यूशन बताइए, तो हम उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएंगे, उनके मन में डिफरेंट आइडियाज को जनरेट कर सकेंगे, उनको क्रिएटिव बना सकेंगे एंड इनोवेट एज दे आर लर्निंग। बल्कि हम क्या करते हैं, इसका उल्टा, हम कहते हैं ना सब लोग एक सोल्यूशन बताइए, एक पैटर्न को फॉलो कीजिए, एक तरीके से चलिए, तो हम जनरली क्लासरूम में बच्चे की क्रिएटिविटी को कर्व कर देते हैं, है ना, ध्यान दीजिए इस बात को। फिर दी ड्रॉबैक टू दिस फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन इज दैट इट डज नॉट ऑलवेज टेक लर्निंग स्टाइल्स इनटू कंसीडरेशन। इसमें एक कमी ये हो सकती है कि इसमें हम लर्निंग स्टाइल को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, तो बहुत आसान रहा, तीन तरीके की करिकुलम डिजाइन है, कौन कौन सी, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर कुछ खास गुण भी हैं करिकुलम डिजाइन में, मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम बैठे और हमने करिकुलम बना लिया, क्या गुण होने चाहिए, वो खास बात क्या, करिकुलम डिजाइन इज पर्पसफुल। इसको मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत आसान है, आप इसे पढ़ के अपने से समझ सकते हैं। करिकुलम डिजाइन इज पर्पसफुल मतलब ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, हम जरूर किसी उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमने करिकुलम का निर्माण किया है। फिर करिकुलम डिजाइन इज डेलिबरेट, ये हमारा डेलिबरेट एक्शन है, हमने जानबूझकर बनाया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कुछ और करने जा रहे थे और करिकुलम बना लिया। सॉरी, करिकुलम डिजाइन इज क्रिएटिव, यानी कि ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया भी है। कैसे, कि इट इज नॉट अ नीटली डिफाइंड प्रोसीजर दैट कैन बी परस्यूड इन अ रिगरस सीरीज ऑफ स्टेप्स। एट एवरी स्टेज ऑफ करिकुलम डिजाइन देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेटिव थिंकिंग। सोचना विचारना पड़ता है, आइडियाज को जनरेट करना पड़ता है, तब जाके करिकुलम बनता है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में करिकुलम का निर्माण नहीं होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बहुत सारा आइडिया इन्वॉल्व होता है तब करिकुलम बनता है जाकर, है ना। तो सिस्टमैटिक है, क्रिएटिव है, इट रिक्वायर्स कॉम्प्रोमाइजेस। इसका क्या मतलब है, जब आप पढ़ेंगे इसका टेक्स्ट तो आप जानेंगे कि हमेशा ये नहीं हो सकता है कि हम जो मान के चले आउटकम एग्जैक्टली वैसा करिकुलम बना दें, कभी कभी हमको उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है कि हाँ ठीक है इसको छोड़ देते हैं और ये वाला पोर्शन ले लेते हैं ना। कोई चीज़ हो सकता है कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके सारे कॉम्पोनेंट्स हम ना ले पा रहे हो करिकुलम में, है ना, या हो सकता है कि बहुत लेंदी हो तो कुछ आपको छोड़ना पड़ जाए उसमें। तो जो हम चाहते हैं उसका हर पॉइंट, हर बिंदु हमारे करिकुलम का हिस्सा बन जाए, ये कभी कभी नहीं भी संभव है। फिर करिकुलम डिजाइन्स कैन फेल, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम का डिजाइन है वो कभी कभी फेल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम एक करिकुलम बना के लाए, भले हमने उसमें बहुत समय और ऊर्जा अपनी व्यर्थ की और वो सक्सेसफुल ही हो जाए। हो सकता है कि हम जो एक्सपेक्टेशन मानकर चल रहे हों वो टीचर्स उसको ट्रांजैक्ट ना कर पाए या बच्चे उसको परसीव ना कर पाए, तो करिकुलम डिजाइन फेल भी हो सकते हैं, हमको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। और करिकुलम डिजाइन है स्टेजेस, करिकुलम डिजाइन के
चरण होते हैं। इसमें आप एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक को समझ सकते हैं। जब आप असेसमेंट पढ़ेंगे, इवेल्युएशन पढ़ेंगे, तो इवेल्युएशन दो तरीके, आई मेनली एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और एक समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को हम मतलब समय समय पर करते हैं और समेटिव को साल के अंत में करते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है ना, वो फॉर्मेटिव है और जो हमारा ईयर एंड एग्जाम है वो समेटिव है। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है कि ये टू वे प्रोसेस है। मतलब हमने आपको क्लास में कोई यूनिट पढ़ाई, उसके बाद आपका एग्जाम लिया और आपने बहुत बेकार परफॉर्म किया, तो हमको देखना पड़ेगा दोनों एंड से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं और आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। या हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि करिकुलम में ही कोई दिक्कत है, कोई ऐसी चीज है जो आपके मेंटल लेवल से मैच नहीं कर रही है, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो हमको वापस जाके करिकुलम में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो करिकुलम डिजाइन हेड स्टेजेस, मतलब कई फॉर्मेटिव असेसमेंट से, कई फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से गुजरने के बाद कोई करिकुलम अपनी फाइनल शेप में आता है। ठीक है, अच्छा फिर है करिकुलम डिजाइन के टिप्स। कुछ टिप्स हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम करिकुलम का निर्माण कर रहे हो, तो हम बढ़िया करिकुलम बना सकते हैं। कौन कौन से टिप्स? पहली बात, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे हमने स्टेक होल्डर में सिर्फ स्टूडेंट को लिया है, यानी कि जब भी हम करिकुलम का निर्माण कराएं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए स्टूडेंट। क्या होना चाहिए? दिस कैन बी डन थ्रू नीड्स एनालिसिस। हमको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी आवश्यकता की। किसकी आवश्यकता की? विद्यार्थी की। विच इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू द लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता जो है उससे रिलेटेड डेटा। द डेटा माइट इंक्लूड व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी नो, यानी कि जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तो हमको ध्यान में रखना होगा कि हमको ये पता होना चाहिए कि छात्र की, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है। और ये एक मतलब थम्स रूल है कि हम जो कुछ भी नया पढ़ाने जा रहे हैं, हमें जरूर उसको बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, है ना। तो जब हमने पियाजे की भी थ्योरी पढ़ी थी, पियाजे भी क्या कहते हैं, स्कीमा है हमारे दिमाग में। तो जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसी स्कीमा में या तो एसिमिलेशन होता है या एडेप्टेशन होता है या एकोमोडेशन होता है। तो हमको स्कीमा का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसलिए हमको नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। फिर क्रिएट ए क्लियर लिस्ट ऑफ लर्निंग गोल्स एंड आउटकम्स। आपको नहीं पता होगा, भी आप बहुत 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 ही नए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मतलब एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन के क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए कि अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, OBE। कई बार आपको कई जगह ये शब्द मतलब शायद मिल जाए सुनने को, या कम से कम आपको पता होना चाहिए कि OBE क्या है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये कहती है कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका एक आउटकम होना चाहिए, बिना आउटकम के किसी भी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। और ये अभी रिसेंटली मतलब रिसेंट जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रिसेंट का बात करते हैं, तो रिसेंट का मतलब ये नहीं कि आजकल, रिसेंट का मतलब होता है कि रिसेंट पास्ट, मतलब पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 15-20 साल में भी अगर कोई बात हो रही है तो उसको रिसेंट पास्ट ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि समय लगता है ना, 50 साल, 20 साल, 10-15-20 साल पुराना कोई कंसेप्ट होता है तो उसको नया ही मानते हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए। तो हम जब करिकुलम का निर्माण करें तो हमारे पास क्लियर लिस्ट होनी चाहिए कि ये करिकुलम जब आपको पढ़ा दिया जाए तो उसके बाद आप किस योग्य हो जाएंगे, क्या उपलब्धि हो जाएगी आपके स्तर पर। ये बहुत खास बात है। क्या कह रहा है ये? दिस विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द करिकुलम, कि क्यों हमने करिकुलम का निर्माण ही किया है, एंड अलाउ यू टू प्लान इंस्ट्रक्शन दैट कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और उस तरीके से इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएं ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएं। लर्निंग गोल्स आर द थिंग टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू अचीव इन द कोर्स, है ना। हम चाहते हैं कि इस करिकुलम को पढ़ लेने के बाद, इसीलिए हमेशा गोल्स क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू understand, student will be able to define, student will be able to differentiate। आप लोग इस तरह से lesson planning BA में बनाते होंगे तो लिखते होंगे ना, इसीलिए learning goals या learning outcomes जो हैं वो futuristic लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जब हम lesson बनाते हैं कोई, हमें अगर हम इसको lesson plan से इसकी similarity discuss करें, तो जब हम lesson plan बनाते हैं तो होता है ना कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद छात्र क्या क्या कर लेगा, तो छात्र इसको समझना का हम नहीं बार बार अंडरस्टैंड निकल जा रहा है मुंह से, लेकिन समझना कोई एक्शन वर्ब नहीं है। हम लोगों ने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी भी में सबने पढ़ चुकी है, वो जानते हैं ना कि हमको एक्शन वर्ब के हिसाब से लिखना होता है। ठीक, तो एक्शन वर्ब क्या होनी चाहिए? मेजरेबल, जिसको हम नाप सकें। फिर ये देखिए लिख दिया इसने यही बात, लर्निंग आउटकम्स आर दी मेजरेबल,
ये सबसे खास बात है, जब आप मेजर नहीं कर पाएंगे उस आउटकम का कोई मतलब नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि हम समझ रहे हैं, तो समझने को आप मेजर नहीं कर सकते, आप डेफिनेशन को मेजर कर सकते हैं, रिकॉल को मेजर कर सकते हैं, रिकॉग्निशन को मेजर कर सकते हैं, समझने को कैसे मेजर करेंगे ना। तो हमेशा आउटकम को हमको ऐसी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है जो मेजरेबल हो। नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स शुड हैव अचीव्ड इन द कोर्स। आई थिंक आपको समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, हमको ये भी ध्यान देना होगा कि क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं उस करिकुलम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम इज ए कॉमन कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। जैसे वो जहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट है, उसमें क्या होता है जल्दी जल्दी इंटरनल असेसमेंट होता है। तो अगर हमको हर मतलब 6 महीने के सेमेस्टर में हमको 3 इंटरनल असेसमेंट लेने हैं, यानी कि हमको हर एक महीने सवा महीने पे एक असेसमेंट ले लेना, या और जल्दी आप समझिए कि हर महीने में एक, तो हमको भी अपना करिकुलम भी उस तरह से बनाना है कि वो उतना लेंदी ना हो जाए कि हम पढ़ाना असेसमेंट तो बहुत एकदम जैसे लगे कि हम भाग रहे हैं। और एक्चुअली होता है ऐसे ही है, जहाँ पे भी सीबीएसई सिस्टम फॉलो हो रहा है वहाँ पे जैसे ही बच्चा सेमेस्टर में एंटर होता है वैसे ही टीचर और स्टूडेंट लगता है जैसे भागने लगे। तो सारा हमारा टाइम और एनर्जी तो असेसमेंट में चली जाती है, जो ट्रांजैक्शन का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं जरूर मिस हो रहा है। ओके अच्छा, फिर कंसीडर क्रिएटिंग अ करिकुलम मैप। हमको एक करिकुलम मैप भी बना सकते हैं सो दैट यू कैन प्रॉपरली इवेलुएट द सीक्वेंस एंड कोहरेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिससे कि हम ये समझ सकें, ये हम इवेलुएट कर सकें कि हमारा सीक्वेंस सही है कि नहीं, कोहरेंस में हमारा इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने पिछली बार जो कहा और हम आज जो कह रहे हैं उसमें हम खुद ही क्लियर नहीं हो, और या एक दूसरे का हम कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एनालाइजिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करिकुलम इज ए गुड वे टू क्विकली एंड ईजिली आइडेंटिफाई पोटेंशियल गैप। मतलब हमको गैप्स भी देखने होंगे कि कहीं गैप आ रहा है तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। और आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ये हमको चुनना होगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉलो करेंगे। इसीलिए हम लोग को बीएड में मेथड्स और मेथडोलॉजी पढ़ाई जाती है। अच्छा, मेथड और मेथडोलॉजी में क्या अंतर है जानते हैं ना? मेथड क्या है? तरीका। और मेथडोलॉजी क्या है? कि क्यों ये तरीका चुना गया, इसकी वजह। तो हमको मेथड में क्या लिखना है? दैट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द कोर्स, जो हम कोर्स के थ्रू आउट यूज करेंगे। एंड कंसीडर हाउ दे विल वर्क विद स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स, और हमको ये भी देखना होगा कि वो विद्यार्थी के लर्निंग स्टाइल से मैच कर रही है कि नहीं, है ना। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आर नॉट कंड्यूसिव टू द करिकुलम, द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और द करिकुलम डिजाइन नीड टू बी अल्टर्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक मेथड हम सारे पूरा कोर्स पढ़ा दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारा करिकुलम में टॉपिक्स चेंज होंगे उस हिसाब से हमको इंस्ट्रक्शनल मेथड भी चेंज करते रहना है। establish evaluation methods, और लास्ट में हमको क्या करना है? इवेलुएट करना है। दैट विल बी यूज्ड एट द एंड एंड ड्यूरिंग द स्कूल ईयर टू असेस लर्नर्स इंस्ट्रक्टर्स एंड द करिकुलम। हमको असेस किसको करना है? लर्नर्स को करना है, लर्नर्स को तो करना ही है, इंस्ट्रक्टर्स को भी करना है, है ना, जो पढ़ा रहा है, एंड दी करिकुलम, जो मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की आपसे बात कर रही थी। अगर हमेशा हम फेल हो रहे हैं असेसमेंट में, इसका मतलब हमको करिकुलम में भी चेंज करने की जरूरत है। ओके, इवैल्यूएशन विल हेल्प यू डिटरमाइन इफ द करिकुलम डिजाइन इज वर्किंग और इफ इट इज फेलिंग। वही बात निकल कर आ गई कि इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन हमको ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, सुनिश्चित करने में कि जो हमने करिकुलम डिजाइन किया है वो काम कर रहा है या वो फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स दैट शुड बी इवैल्यूएटेड इंक्लूड दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम एंड अचीवमेंट रेट्स रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम्स। और मोस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन इज ऑनगोइंग एंड समेटिव। ongoing का मतलब formative से, देखिए वो बात आ गई जो मैं बोल रही थी कि formative और summative evaluation का योग जो हो जाएगा उससे हम पूरा बढ़िया evaluation कर सकते हैं, यानी formative बार बार बीच बीच में और summative at the end। फिर remember that curriculum design is not a one step process, continuous improvement is a necessity। इसीलिए आप लोग वो पढ़ते होंगे ना NCF, National Curricular Framework, क्यों इसको पढ़ा जाता है, क्यों ये सोचा गया कि हम, और फिर हम कह रहे हैं सोसाइटी सेंटर्ड, और हम कहते हैं एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस मतलब स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम या सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी हमारे करिकुलम को निर्धारित करती है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे करिकुलम को चेंज हो जाना चाहिए। इसीलिए फ्रेमवर्क बार बार आता है कि हम एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बना दिया जाता है और उसके हिसाब से हम अपने करिकुलम को डिजाइन करें ताकि हम सोसाइटी के अलाइनमेंट में चले। जैसे पिछला ये एक साल कोविड का बीत गया और कोविड अभी भी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन कक्षा चल रही है, तो ये कितना बड़ा चेंज रहा। नहीं तो ऐसे तो शायद हम लोग अगले 10-20 सालों में भी ये स्टेज नहीं अचीव कर पाते कि हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं,
है ना, ये कोविड की वजह से ये हो सका। तो अब जब करिकुलम निर्माण होगा, अब जब टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉलो की जाएंगी, मेथड सेलेक्ट किए जाएंगे, तो जरूर उसमें डिजिटल टच रहेगा जो कि पहले नहीं होता। इसीलिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी, ये नहीं कि हमने आज बना लिया और फिर हम बैठ गए, फिर हम बिल्कुल देख नहीं रहे कि समाज में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन चल रहा है, उसके हिसाब से हम चेक नहीं कर रहे हैं, हमको चेक करते रहना है। इसीलिए कह रहे हैं द डिजाइन ऑफ द करिकुलम शुड बी असेस्ड पीरियोडिकली, यानी समयांतराल पे हमको असेस करते रहना है। और उधर कोई खास बात नहीं, फिर सिक्स स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, कहीं उसके थोड़ा सा वो हो सकता है रिपीटेटिव, लेकिन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में कि हम कौन से छह चरण हैं जिनका करिकुलम डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं या जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स एंड पर्पस, यानी सिद्धांत क्या है और उद्देश्य क्या है। तो सेट आउट द इंटेंट ऑफ योर करिकुलम, क्यों बनाने जा रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन क्या है कि करिकुलम प्रिंसिपल्स शुड रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, उस इंस्टीट्यूशन के मूल्य, कंटेक्स्ट माने कि संदर्भ में बनाया गया है, पेडागॉजिकल अप्रोचेस मीन्स कौन सी पेडागॉजिकल अप्रोच को हम फॉलो करें, एंड नीड्स और आवश्यकता, इन सब को ध्यान में रख के हमको करिकुलम का निर्माण करना है। फिर इंटाइटलमेंट एंड इनरिचमेंट, कैसे हम बच्चे को इंटाइटल करेंगे या इनरिच करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि enrich the curriculum with educational visits, extracurricular activities and specific experiences, मतलब हम fix ना रहें सब topic को, हर topic को जाके classroom में बैठकर chalk and talk method से ही ना पढ़ाएं, बल्कि कोई topic हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्लम एरिया के बारे में आप पढ़ा रहे हैं कहीं पे ना, तो आप किसी स्लम एरिया की विजिट करा सकते हैं, तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जो वो देख कर सीखेंगे वो बेहतर सीख पाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि आजकल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का जमाना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, तो सिर्फ पढ़ के और पढ़ा के हम बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते, इतना कॉम्पिटिशन है, इंटरव्यूज हैं, तो वो जिसको हो सकता है हमारे बराबर ही कंटेंट पता हो, पर उसका कम्युनिकेशन अगर हमसे बढ़िया है, अगर उसने ट्रांसमिट हमसे बढ़िया कर दिया, तो वो हमसे अच्छा स्कोर कर लेगा। इसलिए हमको को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चे को इंगेज रखना है और स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करने हैं। ये सब कुछ भी हमको देखना पड़ेगा करिकुलम डिजाइन में कि इनका स्कोप हो। फिर ब्रेथ एंड बैलेंस, डेवलप द कंटेंट ऑफ योर करिकुलम, हम कंटेंट कैसे डेवलप करेंगे। तो कंटेंट डेवलप करने के लिए फिर हमको देखना पड़ेगा कि कंटेंट हमारा नॉलेज स्किल्स और एट्रीब्यूट्स तीनों चीजें प्रोवाइड करने वाला हो, है ना। फिर टीचिंग नैरेटिव, प्लान द डिलीवरी ऑफ योर करिकुलम, यानी कि हमको ये भी तय करना होगा कि उस करिकुलम को हम कैसे डिलीवर करेंगे। क्योंकि देखिए करिकुलम आपका जो, अब यहाँ पे एक बात उठ के आएगी कि सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है, है ना। ये बात अक्सर मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से डिस्कस करती हूँ और बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते। सिलेबस वो है जो हमको मिला हुआ है, छपा हुआ, सभी जानते हैं, है ना। हमको, आप जब किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं नए क्लास में, तो आपको एक सिलेबस मिलता है, और करी वो यानी कि जो छप रहा है उससे एक शब्द ज्यादा या एक शब्द कम नहीं, लेकिन करिकुलम वो है जो सारा टोटैलिटी इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस हमको कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में आप एंटर करते हैं और जब इंस्टीट्यूशन छोड़ते हैं, वो जो सारा कुछ एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, वो आपका करिकुलम बन जाता है। और सिलेबस तो सिर्फ वही जो छप के मिला है, पब्लिश होके मिला है, प्रिंट होके मिला है, तो करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलर तो वैसे भी आ जाता है इंक्लूड। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम डिलीवर कैसे करें। इसीलिए कह रहे हैं कि हो सकता है एक सिलेबस हो, एक ही सिलेबस को दो टीचर्स पढ़ाएं, लेकिन दोनों का डिलीवरी मेथड अलग होगा, तो दोनों की डिलीवरी अलग होगी, तो निश्चित रूप से बच्चे का आउटकम अलग निकल कर आएगा। तो डिलीवरी बहुत ज्यादा वो करती है, क्या मैटर करती है। फिर अ टीचिंग नैरेटिव शुड बी क्लियरली सीक्वेंस्ड, यानी कि हमको किस तरह से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि सीक्वेंस हो, कोहेसिव हो, एंड बेस्ड ऑन साउंड पेडागॉजिकल प्रैक्टिस। अच्छा, हम लोग बार बार पेडागॉजी की बात करते हैं, पेडागॉजी क्या है जानते हैं आप लोग। पेडागॉजी का मतलब, आप हिंदी अगर इसका टर्म ढूंढने जाएंगे मीनिंग, तो आपको बताएगा शिक्षण शास्त्र। और बहुत दिनों तक हम लोग पेडागॉजी को पढ़ते थे और पेडागॉजी बड़ा अच्छा और बड़ा अट्रैक्ट करने वाला शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते थे। पेडागॉजी को जब आप पढ़ेंगे जानेंगे, तो पेडागॉजी का कुछ और मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। सिर्फ इतना जान लीजिए, आप समझ गए पेडागॉजी को, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ये प्लानिंग शुड शो हाउ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विल बी टॉट, यानी कि इस तरह से सुनियोजन होना चाहिए, योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ताकि हमको पता हो कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, किस तरह रिविजिटेड किए जाएंगे, और हम कैसे डिजायर्ड आउटकम्स को आउटलाइन करेंगे। और फिर सोर्स
ये सोर्स हाई क्वालिटी रिसोर्सेज टू डिलीवर योर करिकुलम, हम कौन से रिसोर्सेज पर को पे आधारित होंगे। अब तो आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, कि अब तो क्रिएटिव कॉमन्स का जमाना है, OER का जमाना है। क्रिएटिव कॉमन क्या है अब ये बताने लगेंगे तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, वरना फिर हम कभी बात कर लेंगे इस पर। OER का क्या मतलब है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, है ना, यानी कि उस तरीके के शैक्षिक संसाधन जो खुले हैं। खुले का मतलब यहाँ पे, खुला का मतलब इससे है कि जिन पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई, यानी कि जिन पर सबकी एक्सेस है, है ना। तो ये इन सबका जमाना है, तो हमारे को बढ़िया से बढ़िया रिसोर्स आजकल अवेलेबल है जो पहले संभव नहीं था। तो आज के छात्रों के लिए पढ़ने की असीमित संसाधन उनको उपलब्ध है, जबकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास एक लाइब्रेरी और एक हमारा टीचर, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज हमको कुछ बताने के लिए नहीं थी। और आज तो आपके पास मोबाइल है, आप जानते हैं ना, सब कुछ आप ढूंढ लेते हैं। फिर रिव्यू एंड इवेलुएट, और लास्ट में हमको क्या करना है, जैसे पहले भी कहा गया, एक तरीके से पिछला मैटर और ये मैटर आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बस उसकी हेडिंग्स अलग है। तो आप इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब आप पूछेंगे इन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में टिप्स पूछे जा रहे हैं, स्टेप्स पूछे जा रहे हैं, तो इसको बता दीजिए। अगर दूसरी भाषा में पूछा जा रहा है तो जो पहले मैटर डिस्कस किया था उसको बता दीजिए। तो आपको स्मार्ट होना चाहिए अपना आंसर लिखने में, कि हम आंसर को उस तरह से मोल्ड कर सकें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि छात्र जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो वो पढ़कर जाते हैं वही लिख के आते हैं, चाहे जो पूछा जाए। तो इससे आप एग्जामिनर को इरिटेट करते हैं और आप अपने नंबर खुद कटवा लेते हैं। ओके, तो लास्ट हमारा रह गया क्या, रिव्यू एंड इवेलुएट, यानी कि जो पहले भी बात की गई थी कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल कंटिन्यूअस करिकुलम डेवलपमेंट चलना चाहिए, हमको रेगुलरली इसको रिव्यू करना चाहिए, इसका इंपैक्ट किस पे, टीचिंग और लर्निंग पे। और अगर टीचिंग और लर्निंग पे अच्छा इंपैक्ट नहीं है तो हमको इसमें अडेप्टेशन या अनुकूलन या चेंजेस बदलाव करने चाहिए, तब हम एक बढ़िया करिकुलम डिजाइन कर पाएंगे। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर टू बोथ BA as well as BEd students, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, डन।